हेलो एवरीवन, ग्लोबल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में एमसीक्यूज़ ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये टॉपिक हमने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस, आईएफएस या जेकेपीएससी के एग्ज़ाम्स, केएएस, केपीएस वगैरह, या जेकेएसएसबी से रिलेटेड अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं, लगभग हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपको एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस जो है मिलेंगे। यानी 8 से 10 मार्क्स क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक में से आपको ज़रूर मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लगभग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए जो है हमने कोशिश की है इसी टॉपिक को हमने उठाया है ताकि आप जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसमें जो है इस पूरी सीरीज़ में हम करीब 600 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं पूरे सिलेबस में, जो भी ये टॉपिक पूरा है, काफ़ी लेंथी टॉपिक रहता है ये। 1857 ऑनवर्ड ये जो है पूरा टॉपिक रहता है, और अप टू 1947 तक ये जो है पूरी इंडियन हिस्ट्री, जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री भी कह सकते हैं। तो इसमें जो है ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो इसमें जो है हमने कोशिश किया है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं, करीब 600 क्वेश्चंस जो है हमने इस पे बनाए हैं और उनको जो है आपके सामने लाया ताकि आपको जो है फ़ायदा हो सके। तो हमने कोशिश करना है कि अगर आप ये जो लेक्चर देखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आपको जो है फिर मज़ीद और कोई बुक या और कोई वीडियो इससे रिलेटेड आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से ही आपको जो है, अगर आप ये पूरी सीरीज़ जो है, चाहे ये 8 वीडियोस पे बने या 10 वीडियोस पे बने, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि आप हमारे ये जो चैनल है ग्लोबल एकेडमी, इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली जो नई वीडियोज़ है या जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जो है आगे सीरीज़, नेक्स्ट सीरीज़ पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऑनवर्ड जो भी आएँगी, वो आपके यूट्यूब चैनल के फर्स्ट पेज पर आएँ। इसलिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं जो भी जेकेएसएसबी से रिलेटेड जो भी आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे वो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड ऑलरेडी हम अपलोड कर रहे हैं लेक्चर। उसके अलावा जो है आगे बहुत सारे अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उनसे रिलेटेड भी हम जो है कोशिश करेंगे कि जो भी सिलेबस में जो भी टॉपिक्स होंगे उनको हम इसमें जो है इस चैनल में हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जो है फ़ायदा हो सके, आपको जो है कोचिंग सेंटर्स में जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो इससे फ़ायदा हो सके, और नोटिफिकेशन बेल जो साथ में रहता है उसको भी आप प्रेस करें ताकि आपको जो है जो ही कोई नई वीडियो आ जाए आप जो है उससे वो जो है आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और कोशिश करें कि अपने फ्रेंड्स में भी जो है इन वीडियोज़ को जो है आप शेयर करने की कोशिश करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर और वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, हम इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जो है इसमें क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पिछले 8-10 सालों में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्ज़ाम्स में आए हैं, उन्हीं को हमने इस पूरी वीडियो सीरीज़ में जो है आपके लिए लाया है। सो लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 1। गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड ऑन 15 मार्च 1928, 1930, 1931, 1935। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 1931। इसमें जो है मैंने कोशिश की है, एक तो रेड से भी इसका आंसर को मार्क किया है और नीचे इसका आंसर भी दिया हुआ है ताकि आपको जो किसी भी किस्म का इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी वॉज अडॉप्टेड इन ए स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड एट कलकत्ता इन सितंबर 1920, दिसंबर 1922, अक्टूबर 1924 एंड नवंबर 1925। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 1920, यानी ए पार्ट। द स्वराज पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय लाला लाजपत राय एंड फिरोज शाह मेहता, सरोजनी नायडू एंड एन आई बसंत, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, सी गोपालाचार्य एंड सी वाई चिंतामणि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। देन इन व्हाट सेशन डिड कांग्रेस डिक्लेयर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल। लाहौर सेशन हेल्ड इन 1929, मद्रास सेशन हेल्ड इन 1927, अहमदाबाद सेशन हेल्ड इन 1921, गाया सेशन हेल्ड इन 1922। इसका जो करेक्ट आंसर है ए 1929।
When was the first Independence Day unofficially celebrated before independence? 26th of January 1929, 26th January 1931, 26th January 1935 and 26th January 1930. इसका जो करेक्ट आंसर है 26th of January 1930. तो ये जो डेट है ये अनऑफिशियली पहले इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था. बाद में इसी डेट पर जो है जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ 15th of August को, तो उसके बाद जो है ये डिसीजन लिया गया कि हम ये जो डेट है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट रही है तो इस दिन आप जो है आज सेलिब्रेट किया जा रहा किया जाता है. इसी डेट पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी को. और इसकी जो बैकग्राउंड है वो यही है क्योंकि इस दिन जो है 1930 में ये अनऑफिशियली जो है इंडिपेंडेंस डे इस दिन में सेलिब्रेट किया गया था. Who was the British Prime Minister who convened the first round table conference in London? Churchill, Ramsay MacDonald, Chamberlain and Disraeli. इसका जो correct answer रहेगा Ramsay MacDonald. Who among the following did not attend the first round table conference? M.K. Gandhi, Sir Tej Bahadur Sapru, Dr. Ambedkar, C.V. Chintamani. इसका जो correct answer है Mahatma Gandhi. M.K. Gandhi ने जो first round table conference जो हुई थी वो attend नहीं की थी. Who opened the first roundtable conference? King George B, M.K. Gandhi, Lord Irwin, Ramsay MacDonald. तो इसका जो correct answer है King George B. A जो है इसका correct answer है. The historic fate by Gandhi came to an end as a result of Bonaparte, issue of white paper, Gandhi impact, arrival of Simon Commission. इसका जो correct answer है Bonaparte. Then my strongest bulwark is gone. Lamented Gandhi on the death of गांधी जी ने ये कुछ वर्ड्स बोले थे. ये किसकी डेथ पर उन्होंने बोले थे? गोपाल चारी गोखले, मोतीलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक. तो इसका जो करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक. When was the first round table conference held? जो हमने पीछे डिस्कस की जिसमें महात्मा गांधी नहीं अटेंड हुए थे, तो ये जो हुई थी ये कब हुई थी? 1933, 1931, 1930 and 1903. तो ये जो हुई थी 1930 में हुई थी. Mahatma Gandhi participated in the second round table conference after signing the Gandhi Irwin Pact on March 1931, refusing to hold direct talks with Muslim League, being permitted by the Congress, receiving assurance that independence was the first coming. Iska jo correct answer hai, first signing the Gandhi Irwin Pact on March 1931. In 1930, Mahatma Gandhi started the civil disobedience movement from Wardha, स्वाग्राम, साबरमती, डांडी. इनने जो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू की थी 1930 में, ये साबरमती से शुरू किया था. द आइडिया ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग सेफ गार्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाई द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इम्पैक्ट, विजिट ऑफ साइमन कमीशन, बोनापार्ट. इसका जो आंसर है विजिट ऑफ साइमन कमीशन. मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू विद एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. लिस्ट वन दादा भाई नेहरू जी, अन्नय बसंत, गोपाल गोपाल कृष्ण गोखले, देन सर अरबिंदो घोष. और इसमें जो है सेकंड में दिया है इसके जो लिस्ट में होम रूल, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, थ्राइस प्रेसिडेंट ऑफ गोखले ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक्सट्रीमिस्ट टर्न स्पिरिचुअलिस्ट. इसका जो आंसर है ये सी वाला है, यानी 3, 1, 2, 4. तो ये जो है आप इसमें खुद मैच कर लीजिए, यानी ए का जो है 3 रहेगा, दादा भाई नेहरू जी, थ्राइस प्रेसिडेंट गोखले ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी इसका 1 है यानी अनय बसंत, ये होम रूल के साथ है लिंक्ड है, गोपाल चार्य गोपाल कृष्ण ये सी, ये 2 के साथ रिलेटेड है, ये जो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, एंड डी जो है इसका 4 रहेगा, सर अरविंद घोष, एक्सट्रीमिस्ट एंड स्पेशलिस्ट. इसको जो आप अच्छी तरह से खुद भी देख लें मैच है. हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1932? बी आर अम्बेडकर, आचार्य नरेंद्र देव, महात्मा गांधी, जगजीवन राम. इसका जो करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी. टू विच पर्सनली गांधी गेव द टाइटल दीन बंधु? श्री अरविंदो, सी एफ एंड्रयूज, विनोबा भावे, सी आर दास. सी एफ एंड्रयूज इनको जो है ना दीन बंधु कहा था गांधी जी ने. विच आर द फॉलोइंग लीडर्स डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ इंजुरीज सस्टेन ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट डेमोंस्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय. साइमन कमीशन के दौरान जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुए थे वहाँ कुछ इंजुरीज हुई थी, उनमें से जो है एक आदमी की मौत भी हुई थी. वो कौन थे?
ही वॉज लाला लाजपत राय, इसका जो आंसर डी पार्ट है। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, तो ये जो नारा इनकलाब जिंदाबाद था किसने दिया था, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, एम क्यू इकबाल, चंद्रशेखर आज़ाद, तो ये जो है भगत सिंह, इसका करेक्ट आंसर है। हु सेड दैट एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज ब्लीडिंग इंडिया वाइट, तो ये बात किसने कही थी, ये जो ब्रिटिश रूल है इनका, ये जो लोगों पर जुल्मस्तम कर रहे थे, ये इससे क्या हुआ, ब्लीडिंग इंडिया वाइट, तो ये बात किसने कही थी, तिलक, दादा भाई नोरू जी, ह्यूम, अनय बसंत, तो दादा भाई नोरू जी ने ये बात कही थी। इंडिया फॉर इंडियाना, ये जो स्पेशल मैसेज था ये किसने दिया था, डी वाचा, विवेकानंद, दयानंद, ह्यूम, तो दयानंद जी ने ये कहा था। हु सेड दैट द कॉन्स्टेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक मिजरीज, तो ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की थी ये किसने कही थी, दादा भाई नोरू जी ने। एज पर द एक्ट ऑफ 1919 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वॉज नॉट करेक्ट, 1919 जो एक्ट बना था उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आई थी, तो इनमें से कौन सी जो है करेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब बाकी जो है 1919 एक्ट से रिलेटेड है, इनको भी हमने देखना है कि कौन कौन सी इससे रिलेटेड है। एक तो ब्रिटिश इंडिया मस्ट रिमेन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये भी करेक्ट है इस एक्ट के तहत। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी रियलाइज्ड ओनली बाय द प्रोग्रेसिव स्टेजेस, ये भी करेक्ट है। प्रोविजनल सब्जेक्ट्स वर क्लासिफाइड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ये भी करेक्ट है। द सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वॉज नॉट पेड बाय द पार्लियामेंट, तो ये जो है इनकरेक्ट है, तो इसमें हमने बोलना था कि कौन सा नॉट करेक्ट है, तो लास्ट वाला जो है करेक्ट नहीं है, बाकी तमाम जो है 1919 एक्ट से रिलेटेड हैं, तो ये जो रिलेटेड हैं ये भी हमको याद रखने, कभी पूछा जा सकता है कि इससे रिलेटेड इसमें से कौन सा है, तो ये भी हमको याद रखना है। इसमें खास करके रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है। एज पर द एक्ट ऑफ 1919 विच आर द फॉलोइंग एक्ट वॉज नॉट ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, इसमें से ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कौन सा नहीं है, फॉलोइंग वॉज नॉट ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, एजुकेशन, म्यूजियम, मेडिकल रिलीफ एंड लैंड रिवेन्यू, तो ये जो तीन हैं ये इस एक्ट के तहत जो है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं, एजुकेशन, म्यूजियम एंड मेडिकल रिलीफ और लैंड रिवेन्यू जो है ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट नहीं है। द डीआरकी विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1921 इन प्रोविंस वॉज इन फोर्स टिल द ईयर 1937, 1937, 1947, 1937, जिसका करेक्ट आंसर है। The Home Rule League was formed during First World War, partition of Bengal, struggle following the Jallianwala Bagh massacre, implementation of Minto Mohalla reforms. First World War के दौरान जो है Home Rule League बनाई गई थी। The Secretary of State for India was given powers by Act of 1909, 1919, 1858 and Act of 1861. इसका जो correct answer है Act of 1919. Of the following who was not the leader of extremist, इनमें से कौन extremist leader नहीं था, तो ये जो तीन है ऊपर वाले, लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, ये तीनों जो है extremist leader थे, जो ह्यूम थे he was not the leader of extremist, ये जो है last वाले इसका correct answer है। सत्याग्रह सभा was founded by गांधी at, तो सत्याग्रह सभा ये कहाँ बनाया गया था, गांधी जी ने बनाया था, ये भी हमको याद रखना है कि ये बनाया किसने था, तो बना कहाँ था, बम्बई, कलकत्ता, गुजरात, पुणे, तो ये बम्बई में बनाया गया था। गांधी कॉल्ड फॉर एन ऑल इंडिया हड़ताल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट ऑन 6 अप्रैल 1918, 1919, 1926 एंड 1925, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1919। एट जलियांवाला बाग मीटिंग दैडेश ऑर्डर द ट्रूप्स टू ओपन फायर, तो जलियांवाला बाग का जो मिसकेयर हुआ था वहाँ जो है किसने ऑर्डर दिया था फायर खोलने के लिए, डायर, जनरल डायर ने दिया था, ये हम सबको पता है, पेन, इरविन, डायर, मोंटेगो, अलग अलग नाम यहाँ बताए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है जनरल डायर। द इंक्वायरी कमेटी ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट वाज, वो जो जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी, तो उस कमेटी का नाम क्या था, डायर, इरविन, हंटर, साइमन, तो ये जो थी हंटर कमीशन था। डायर वाज डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, उसको क्या सज़ा दी गई थी बाद में जब उसने ये जलियांवाला बाग मिसकेयर किया था डायर ने, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने क्या सज़ा दी थी, सेंटेंस फॉर लाइफ, सेंटेंस टू डेथ, रिवार्डेड विद ऑनर, रिलीव्ड ऑफ हिज सर्विस, तो इसका जो लास्ट
आंसर है, यानी उसको जो है उसकी सर्विसेज से उसको निकाल दिया गया था। खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय जिनाह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अली ब्रदर्स आगा खान। अली ब्रदर्स ने जो ये खिलाफत मूवमेंट शुरू की थी। खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू, तो ये इनजस्टिस किन लोगों के साथ किया गया था जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज की गई थी? पर्शिया, तुर्की, अरेबिया, इजिप्ट। तो तुर्की इसका करेक्ट आंसर है। द स्पेशल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1920 एट कलकत्ता वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय, स्पेशल कांग्रेस सेशन जो 1920 में हुआ था कलकत्ता में हुआ था उसको प्रिजाइड किसने किया था? नेहरू, लाला लाजपत राय, भूषण, गांधी, लाला लाजपत राय इसका करेक्ट आंसर है। ऑफ द फॉलोइंग हु डिड नॉट अपोज टू नेशनल कोऑपरेशन रेजोल्यूशन, ऑफ द फॉलोइंग हु डिड नॉट अपोज द नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन, तो यानी किसने अपोज नहीं किया था इस नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन को? तो इसका जो आंसर है सीआर दास, मदन मोहन मालवीया, एमएस मिसेस बसंत। तो इन तीनों ने जो है इसको अपोज किया था, लेकिन नेहरू जी उन्होंने इसको अपोज नहीं किया था। ये भी हमको याद रखना था कि इन तीनों ने जो है इसको अपोज किया था, लेकिन जो यहाँ क्वेश्चन है वो बताया गया था किसने अपोज नहीं किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये नेहरू जी थे, इन्होंने अपोज नहीं किया था। तो मैच है यहाँ मोपला, अकाली मूवमेंट, कैशी विद्यापीठ, विद्यापीठ, खिलाफत मूवमेंट, तो इसके सामने तुर्की, एजुकेशन, पंजाब, मालाबार। इसका जो करेक्ट आंसर है ए का 4 आएगा, ए को 4 के साथ मैच किया गया है, बी को 2 के साथ, देन सी 2 एंड डी 1, डी को 1 के साथ और सी को 2 के साथ मैच किया गया है। ये हमको ये देख लेना अच्छे तरीके से दोबारा, आप लोग अलहदा से इनको लिखना है और इनको याद भी रखना है कि कौन किससे रिलेटेड है। वेयर डिड गांधी कॉल द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बरदोली, पूना, कलकत्ता, मद्रास, तो ये बरदोली में हुआ था। देन द फर्स्ट स्वराज कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट, तो फर्स्ट स्वराज कॉन्फ्रेंस ये कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, इलाहाबाद, मद्रास, बरडोली, तो अलाहाबाद में हुआ था। व्हेन द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया द वाइसरॉय वाज, जिस दिन साइमन कमीशन इंडिया विजिट हुआ था, साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था उस दिन इंडिया का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड जॉर्ज, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रिपन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है लॉर्ड इरविन, उसका जो वाइसरॉय थे इंडिया के। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द साइमन कमीशन वाज, इसमें कितने मेंबर थे साइमन कमीशन में? 10, 27, 12, करेक्ट आंसर 7। आर द फॉलोइंग हु डाइड एज ए पोलिटिकल प्रिजनर इन लाहौर प्रिजन, लाहौर प्रिजन में एज ए पोलिटिकल प्रिजनर कौन मारा था? भगत सिंह, भटकेश्वर दत्त, जतिन दास, सुखदेव, करेक्ट आंसर जतिन दास। पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस इन कांग्रेस सेशन हेल्ड एट लाहौर अंडर द प्रेजिडेंटशिप ऑफ, पूर्ण स्वराज जो है इसको गोल किया गया था कांग्रेस द्वारा, डिक्लेयर्ड एज ए गोल, इसको जो है एक गोल तस्वर किया गया था इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन लाहौर, लाहौर में जो कांग्रेस सेशन हुआ था पूर्ण स्वराज उस वक्त जो है इन्होंने अल्टीमेट गोल इसको डिक्लेयर किया गया था पूर्ण स्वराज को। ये हमको याद रखना था कि ये सेशन हुआ कहाँ था? लाहौर में हुआ था। और इस दिन जो है हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि उस वक्त जो है उस सेशन का प्रेजिडेंट कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गोखले। इसका जो करेक्ट आंसर है ये जवाहरलाल नेहरू था और ये सेशन हुआ था लाहौर में, ये भी हमको याद रखना है। डांडी मार्च स्टार्टेड ऑन, कब हुआ था इसकी एग्जैक्ट डेट? 12th मार्च, 12th अप्रैल, 12th फेब, 12th मई, इसका जो करेक्ट आंसर है 12th मार्च। डांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम डाई डैश इन 1930, तो ये शुरू कहाँ से हुआ था? डांडी मार्च 1930 में हुआ था और स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सूरत, साबरमती आश्रम, दिल्ली, दरबार हाल, विद्यारण्यान, इसका जो करेक्ट आंसर है साबरमती आश्रम, बी पार्ट। व्हेन गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वाज, जिस वक्त गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था तो उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन थे? सब्सबरी, कर्जन, वेजवुड बैन, मॉन्टेग, तो वेजवुड बैन उस वक्त जो थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया थे। देन इस वीडियो का ये जो हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट पर, पार्ट वन का इसका हम लास्ट क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द कॉर्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधीज डॉक्ट्राइन ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है
ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस, फियरलेसनेस, एब्सेंटिनेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एब्सेंटिनेंस। तो ये जो है हमने 51 क्वेश्चंस हमने पार्ट वन इंडियन नेशनल मूवमेंट के डिस्कस किए। तो नेक्स्ट पार्ट, पार्ट टू भी हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको जो है ये वीडियो कैसी लग रही है, कैसे कैसे बहुत कोशिश की हमने कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जो है उठाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये सब पसंद आएगा। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जितनी भी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपके जो है यूट्यूब चैनल के फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट हिस्से में, फर्स्ट पेज पर ही आपको मिल सके। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।